बिहार राजनीति का वो अहम नेता जिसने खगड़िया के काफी दुरूह इलाके शहर बन्नी से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक का सफर अपने संघर्ष के बूते तय किया, इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीति का वो शख्सियत रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो 5 दशक तक बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे थे। इस दौरान 2 बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया था। रामविलास पासवान देश के 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे थे। राजनीति की नब्ज पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। यही वजह है कि वो राजनीति में हमेशा प्रभावी भूमिका निभाते रहे थे। इनके राजनीतिक कौशल का ही प्रभाव था कि उन्हें यूपीए में शामिल करने के लिए सोनिया गांधी खुद चलकर उनके आवास पर गई थी। पासवान 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। 1996 से केंद्र में सरकार बनाने वाले सभी राष्ट्रीय गठबंधन, चाहे यूपीए हो या एनडीए का, वो हिस्सा भी बने थे। यही वजह है कि लालू प्रसाद ने उनको मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था, मतलब राजनीतिक मौसम का पूर्वानुमान लगाने में वे माहिर थे। वे समाजवादी पृष्ठभूमि के बड़े नेताओं में एक थे। देश भर में उनकी पहचान राष्ट्रीय नेता के रूप में थी। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से वह कई बार चुनाव जीते हैं, लेकिन 2 बार उन्होंने सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। वर्ष 2005 में बिहार की सत्ता की चाबी उनके हाथ लगी। उस समय उनकी पार्टी के 29 विधायक जीत कर आए थे। किसी दल को बहुमत नहीं होने के कारण सरकार नहीं बन रही थी। पासवान अगर उस समय नीतीश कुमार के साथ या लालू प्रसाद के साथ जाते तो प्रदेश में सरकार बन सकती थी, मगर इस साल दोबारा चुनाव हुए थे। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव जीते पर 2009 में हार गए। 2009 में पासवान ने लालू प्रसाद की पार्टी राजद के साथ गठबंधन किया। पूर्व गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को छोड़ दिया था। 33 वर्षों में पहली बार वे हाजीपुर से जनता दल के राम सुंदर दास से चुनाव हार गए थे। बाद में हाजीपुर क्षेत्र से 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो फिर से एनडीए में आ गए और संसद में पहुंचकर मंत्री बने। उसी चुनाव में उनके बेटे चिराग भी पहली बार जमुई से सांसद बने। वर्ष 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1977 में रिहा होने पर वे जनता पार्टी के सदस्य बन गए और पहली बार इसके टिकट पर हाजीपुर से संसद पहुंचे और उन्होंने सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वे 1980 और 1984 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1983 में उन्होंने दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठन दलित सेना की स्थापना की थी। 1989 में लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री बनाया गया। 1996 में उन्होंने लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी नेतृत्व किया, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य थे। 1996 में ही पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने। उन्होंने 1998 तक उस पद को संभाला। इसके बाद वे अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे, जब उन्हें कोयला मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया और वे इस पद पर अप्रैल 2002 तक बने रहे। मगर इसी बीच 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी LJP बनाने के लिए वे जनता दल से अलग हो गए। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद पासवान यूपीए में शामिल हो गए और यूपीए सरकार में उन्हें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। रामविलास पासवान, जिनका जन्म 5 जुलाई 1946 में हुआ था, इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पहली बार 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचकर शुरू की थी और बतौर केंद्रीय मंत्री कार्यकाल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस तरह राजनीति के एक कभी ना भुला पाने वाले युग का अंत हो गया। लाइव सिटीज से मैं शादाब मलिक, देखते रहें हमारा वीडियो, हम देते रहेंगे बिहार राजनीति से जुड़ी जानकारियां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।